GTA में HD रिवर्स इस गेम ने इंट्रोड्यूस करा वो GTA 4 था। 2008 में लॉन्च हुए इस गेम ने लिटरली रॉकस्टार गेम्स के फेमस फ्रेंचाइज के ग्राफिक्स और गेम प्ले को एक पूरा न्यू लुक दे दिया था। फिजिक्स, एनिमेशंस, व्हीकल हैंडलिंग और ऐसे कई सारे चीजों में बड़े बड़े अपग्रेड्स किए गए। पर अगर आज आप किसी भी GTA फैन से पूछो कि उनका फेवरेट GTA कौन सा है तो ज्यादातर का जवाब GTA 5 या फिर GTA Vice City या San Andreas होता है। बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे जिन्हें GTA 4 बेस्ट लगता है और इसके कुछ कारण मैं आज डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। GTA 4 सबसे पहले PS3 और Xbox 360 के लिए अप्रैल 2008 में लॉन्च किया गया और 8 महीने बाद दिसंबर में PC के लिए। लेकिन प्लेयर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए जब उन्होंने देखा कि गेम ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं है PC के लिए। गेम में बग्स, ग्लिचेस भरे हुए थे और गेम प्ले हर वक्त लैगी सा लगता था। इसे फिक्स करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल पैचेस भी निकालने पड़े जिससे इंप्रूवमेंट तो आई, पर अर्ली रिएक्शन के कारण काफी ज्यादा नेगेटिव फीडबैक मिला रॉकस्टार गेम्स को। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज भी काफी सारे नए गेम्स को जब कंसोल से PC में पोर्ट किया गया तो काफी खराब तरीके से ऑप्टिमाइज किया। मार्वल, एवेंजर्स, माफिया 3 कुछ जाने माने एग्जांपल्स हैं जिनमें PC प्लेयर्स ने काफी टेरिबल एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया इवन दो उनके पास काफी तगड़े PC थे। अगर बाकी GTA से कंपेयर किया जाए तो 4 में कलर्स की भारी कमी है। हर समय ऐसा लगता है कि कोई डल ग्रे फिल्टर लगाकर गेम खेल रहे हो। बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, करेक्टर्स कुछ भी ग्लो नहीं करता गेम में, चाहे मॉर्निंग की सनशाइन हो या नाइट लाइफ, हर चीज जरूरत से ज्यादा डल लगती है। लॉजिकली देखा जाए तो स्टोरी लाइन के डार्क टोन को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया होगा, पर एक समय के बाद ये ऑकवर्ड लगने लगता है प्लेयर्स को, स्पेशली जिन्होंने ब्राइट गेम्स खेले हैं पास्ट में। इसे फिक्स करने के लिए मॉडर्स आगे आए हैं जो काफी सारे ग्राफिक्स एनहांस करने के लिए मॉड्स बनाते हैं और ये फ्री भी है। ये मॉड्स गेम को और ज्यादा और कलर्स दे देते हैं और साथ ही साथ इसे स्मूथ भी बनाते हैं। GTA San Andreas के फीचर्स की गिनती करूं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास स्कूल्स है फॉर ड्राइविंग या फिर बोटिंग सीखने के लिए, प्रॉपर्टीज थी परचेज करने के लिए, ट्रकर, टैक्सी, एम्बुलेंस मिशन है करने के लिए, एंड ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि जब प्लेयर्स बोर हो रहे हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन GTA 4 में फ्रीडम नहीं है। एक तो उसका मैप वैसे भी कुछ खास बड़ा और डाइवर्स नहीं है, अर्बन लाइफ है पूरी, अनलाइक San Andreas जहां हमारे पास डेजर्ट भी था, विलेजेस भी थे, फॉरेस्ट भी थे और ऑब्वियसली सिटीज तो थी ही। उसके बाद अगर GTA 4 में बहुत पैसे कमा लिए तो ज्यादा कुछ खर्च करने को होता भी नहीं था और ना ही कोई एक्स्ट्रा जॉब्स थी। क्लोथ शॉप थी बट उसमें भी कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे चूज करने को। बस पुलिस के साइड मिशंस थे जिसमें मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं, डेटिंग साइट्स थी, हैंगआउट भी कर सकते थे दूसरे प्लेयर्स के साथ। हाँ, टैक्सी के नाम पर रोमन के 10 टैक्सी साइड मिशंस हैं, पर बस इतना ही। हेयर कट नहीं करा सकते, कार्स मॉडिफाई नहीं कर सकते, न्यू प्रॉपर्टीज परचेज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से गेम में बहुत ज्यादा नहीं है एक्सप्लोर करने को। इसलिए स्टोरी लाइन कंप्लीट करने के बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है इसमें करने को। हर GTA की खास बात होती है उसके व्हीकल्स जिसे हम मैप को एक्सप्लोर करने के लिए यूज करते हैं। एक मैप जिसमें हमारे पास बड़े चॉइसेस हो व्हीकल्स के तो मजा ही आ जाता है गेम खेलने में। लेकिन एक तरफ जहां GTA San Andreas में बहुत वैरायटी के व्हीकल्स मिलते थे ड्राइव करने के लिए, वहीं GTA 4 में काफी कमी सी लगती थी। इन जनरल हमें हर जगह सिटी कार्स ही देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स कार्स तो वैसे ही बहुत कम एंड काफी रेयरली स्पॉन होती है। बहुत से सिटी कार्स अच्छे से नहीं दिखते, हेलीकॉप्टर्स भी ज्यादा टाइप के नहीं है। टैंक के नाम पर बस एक APC है जो हमें बैलेट ऑफ गेट टोनी DLC में मिलता है और प्लेन्स तो उड़ा नहीं सकते। एपिसोड्स फ्रॉम लिबर्टी सिटी DLC और GTA 4 को अगर देखें तो सच में व्हीकल्स की काफी कमी है और जो कि प्लेयर्स के लिए काफी नहीं है। ये कुछ लोगों को पसंद आती है तो कुछ को बिल्कुल भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ व्हीकल हैंडलिंग जिसे रॉकस्टार ने काफी रियलिस्टिक बना दिया था। व्हीकल के मूवमेंट से हम उसके वेट को समझ सकते थे, जैसे टर्न्स में कैसे वो एक तरफ लीन हो जाती है, हाई स्पीड में कैसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और इसी तरह के कई ऐसे फीचर्स जिससे नियर रियलिस्टिक फीलिंग आती है ड्राइविंग में। लेकिन इसके कारण GTA के फास्ट पेस ट्रेडिशन जो उसने पिछले गेम्स के थ्रू एस्टेब्लिश किया था वो खत्म हो जाता है। किसी कॉर्नर में सही से टर्न करने के लिए या ट्रैफिक के थ्रू सही से निकलने के लिए हमें ब्रेक्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे कॉप चेजेस या कोई नॉर्मल चेज भी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहती और एक्शन कम होता है। रियलिज्म अच्छी बात है पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक गेम खेल रहे हैं जो फन टू प्ले होना चाहिए। वैसे तो ये सारे कारण GTA 4 के GTA 5 के जैसे फेमस ना होने के हैं, पर फिर भी अगर आप इस गेम को खेलोगे तो स्टोरी लाइन, करेक्टर आर्क, गेम प्ले आपको अच्छा और इंजॉयबल ही लगेगा। हर गेम की तरह इसमें भी लिमिटेशंस है, लेकिन बाकी GTA गेम्स से कंपैरिजन में देखें तो 4 उस लेवल की परफेक्शन अचीव नहीं कर पाया डिस्पाइट ऑफ रियलिस्टिक फिजिक्स और अमेजिंग स्टोरी। और वैसे भी ये रॉकस्टार नॉर्थ का पहला HD यूनिवर्स का गेम था और इसे रेज यानी कि रॉकस्टार एडवांस गेम इंजन के थ्रू बनाया गया था जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा नया था। तो ऑब्वियस है कि डेवलपर्स का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और समय के साथ उन्होंने नए GTA 5 में काफी इंप्रूवमेंट्स लाए जिसे अब 9 साल से भी ज्यादा हो गए रिलीज किए हुए। तो आपको कौन सा GTA फेवरेट लगता है और क्यों कमेंट करके बताओ मुझे। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबा दो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गेम्स गॉसिप पर आपको मिलता रहेगा ऐसे हाई क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।